एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नफ्स के मुतालिक, वो ये है कि नफ्स की ना दो किस्म की किस्में होती है। एक होते हैं ग्रोअर, एक होते हैं शावर। आप कहेंगे ये कौन होते हैं? आपने देखा है कुछ नफ्स बिल्कुल छोटे से होते हैं और जब खड़े होते हैं तो वो यानी कि टॉल मीनार बन जाते हैं। कुछ होते हैं वो देखने में बड़े लग रहे होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन खड़े होते हैं तो बस बैठे से थोड़े से जरा उनका साइज इंक्रीज होता है। अब जो पहले टाइप के हैं ना उन्हें कहते हैं ग्रोवर्स, और जो दूसरे हैं उनको कहते हैं शावर्स। अब ग्रोवर्स जो है, ग्रोवर्स क्यों होते हैं? बेसिकली उनमें इलास्टिक टिश्यूज ज्यादा होते हैं, और वो जब उनका थायरॉइड सिस्टम एक्टिव होता है वो उसको टाइटली अंदर खींच लेते हैं, लेकिन जब वो स्टैंड होता है तो उस इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिक होती हैं और वो ग्रो कर जाते हैं। जबकि जो शावर्स टाइप होते हैं उनमें होता ये है कि उनमें इलास्टिसिटी कम होती है तो वो पहले ही बाहर आया होता है और वो जिस उसमें खून भरता है तो वो हिस्सा भर जाता है। और ये भी देखा गया है कि इंसान जब यंग होता है तो वो ग्रोवर टाइप होता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर शावर टाइप बन जाता है, क्योंकि अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो उनके अंदर जो ना कम हो जाते हैं। तो ये नफ्स की दो किस्मों के मतलब भी एक फैक्ट आपको बता देते हैं।